हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी शायद किसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो। एसएल हंटिंग के स्ट्रैटेजी कई सारे अवेलेबल हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं जो आज डिस्कस करने वाला हूँ, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, वो कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल और जो भी मैंने चीजें एक्सपीरियंस की उसके बेसिस पे ये मैं बताने वाला हूँ। तो आपको ये कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला। यस, नाम है एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ ये जितने भी एसएल हंटिंग वाले स्ट्रैटेजीज पड़े हैं यूट्यूब पे, उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पे लॉजिक दिखेगा, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे आपको वैलिडेशन दिखेंगे और उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखेगा, क्योंकि मैं आपको एंट्रीज तक और एग्जिट्स और रिवॉर्ड सब कुछ आपको यहाँ पे कैसे प्लान करना है और कहाँ पे एसएल हंट हो सकते हैं वो सब कुछ समझने वाले हैं और उसको हम डिटेल में डिस्कस करके आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, अगेन आई रिपीट, स्किप करोगे तो आप कुछ ऐसा मिस कर जाओगे तो शायद ही यूट्यूब पे अवेलेबल हो। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, वॉच लेटर में डाल दो अगर आप अभी कहीं पे बाहर हो, बाद में देख लेना जब आपके पास समय रहेगा। तो वीडियो को वॉच लेटर में डाल दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अभी एसएल हंटिंग क्या है? देखो, यूजुअली आपको जो यूट्यूबर्स बता रहे, जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, यूजुअली यही बताते हैं जो ये प्रीवियस स्विंग है उसका अगर हाई ब्रेक हो गया तो एसएल हंट हो गया, राइट? बट एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब ट्रेड करते हो आप किस में ट्रेड करते हो? आप ऑब्वियसली प्रीमियम बाय करते हो, या तो कॉल बाय करते हो या तो पुट बाय करते हो। तो आपका एसएल हंट कॉल के चार्ट में होगा या पुट के चार्ट में होगा कि स्पॉट के चार्ट में होगा? एक सिंपल क्वेश्चन जो आप जितने भी वीडियोस बने हैं ना यूट्यूब पे, आप उनसे जाके पूछो कि भाई जो एसएल हंट होगा वो हमारे स्पॉट के चार्ट पे होगा कि प्रीमियम के चार्ट पे होगा। वो तो बता के चला जाता है कि हाँ ऐसा कुछ, अगर प्रीवियस स्विंग हो मार्केट ने अगर उसका हाई ब्रेक कर दिया तो एसएल हंट हो गया। नो, ऐसा नहीं है। एसएल हंट तब होता है जब प्रीमियम का लो ब्रेक होता है, प्रीमियम का प्रीवियस लो ब्रेक होता है। यहाँ पे देखोगे तो ये प्रीवियस लो यहाँ पे है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट है, ठीक है? मार्केट में दो चीजें होती है, सबको पता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स से यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है, तो नाउ लेट्स से यहाँ पे जो जिन्होंने बाय किया हुआ है, कॉल बाय किया है, ठीक है ना? अब उनका एसएल कहाँ पे होगा? प्रीमियम के चार्ट में होगा। कहाँ पे होगा? प्रीवियस लो पे। अब यहाँ पे जिन्होंने कॉल बाय किया होगा प्रीमियम के चार्ट में, उन्होंने 92 के आसपास बाय किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 22,200 का कॉल है, यहाँ पे प्राइस जो चल रही है अभी 22,215 की चल रही है, ठीक है ना? अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे भी बाइंग आई है, बट यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, जब प्राइस यहाँ से रिवर्स आई है ना, तो ये जो प्रीवियस लो है उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। लेकिन आप प्रीमियम के चार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे उस लो को तोड़ चुका है प्रीमियम। अब इसको हम बोलते हैं एसएल हंटिंग, नॉट दिस की स्पॉट के चार्ट, सब स्पॉट के चार्ट पे जो प्रीवियस जो हाई है या फिर आप बोल सकते हो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक कर दिया तो एसएल हंट हो गया। नो, एक्चुअल एसएल हंटिंग जो हो रही है आपके प्रीमियम को चार्ट पे हो रही है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, लेकिन आपका प्रीमियम ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर चुका है, जो कि ये कॉल का प्रीमियम है, राइट? तो दो रीजन हो सकते हैं एसएल हंटिंग के, या तो ऑपरेटर आपका प्रीमियम में डंपिंग करके आप एसएल खा जाए, या फिर टाइम डीके की वजह से आपका एसएल आ जाता है। दोनों ही केसेस में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगेन उस कॉल को बाय करने की। उसको हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं उसे समझेंगे, उससे पहले हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है? मार्केट में दो चीजें होती है, रेजिस्टेंस, राइट? एज आई सेड, एक हो गया सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पे एक जोन में है मार्केट, राइट? अब इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी स्विंग है जहां पे प्रीमियम में लो ब्रेक हो रहा है लेकिन स्पॉट के चार्ट पे लो नहीं ब्रेक हो रहा है। स्पॉट का चार्ट क्या हो गया? सपोज ये मिड कैप का स्पॉट चार्ट है, अगर आप देखोगे तो अभी 12,250 ट्रेड कर रहा है, तो ये तो स्पॉट का चार्ट हो गया। लेकिन आप जो प्रीमियम बाय कर रहे हो वो प्रीमियम का चार्ट हो गया, राइट? ये तो बेसिक है। अब ये हो गया प्रीमियम का चार्ट जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, कॉल हो गया, पुट हो गया। अब हमें देखना है स्पॉट के चार्ट पे जहां से प्राइस रिवर्स होकर जा रही है एंड अगेन जब रिटर्न आ रही है, तो उससे ब्रेक होने से पहले क्या प्रीमियम लो ब्रेक कर रहा है? इफ प्रीमियम इज ब्रेकिंग द लो, उसका मतलब वहां पे एसएल हंटिंग हो रही है और वो जो ब्रेकडाउन है, ठीक है ना, वो यहाँ पे स्पॉट के चार्ट से पहले होना चाहिए। मतलब स्पॉट के चार्ट पे ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे ब्रेकडाउन होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पे एसएल हंटिंग हो रही है और यहां से अगेन वो प्रीमियम ऊपर की तरफ जा सकता है। नॉट एवरी टाइम, बट जब वहां पे एक सेटअप बनेगा, जो सेटअप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे हमें एक एंट्री मिल सकती है और वो हमारा एक सेटअप हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस किस तरीके से हम इसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मिड कैप का चार्ट है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस देखनी है, ठीक है ना? वो कंडीशंस क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो गया? सिंपली ये जो स्विंग्स है, ठीक है, इसे हमें आइडेंटिफाई करना है। ये एक स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया। ऊपर से जब मार्केट नीचे की तरफ घूमता है तो ये एक स्विंग हो गया, राइट? यहाँ से अगर मार्केट ऐसे घूम रहा है तो ये एक स्विंग हो गया। यहाँ पे हमने प्रीवियस स्विंग क्या है? ये प्रीवियस स्विंग है। सिंपल लॉजिक, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। जो स्विंग्स होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। सिंपली मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक से सपोर्ट पकड़ लो, ठीक है ना? और मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो जो भी स्विंग है उसको आप रेजिस्टेंस पकड़ लो। बेसिक, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना? तो ये दो चीजें आइडेंटिफाई करना आ गया, मोस्टली मोस्ट ऑफ द लोगों को आता ही होगा। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, आइडेंटिफाई स्विंग्स जो मैंने आपको बताया। अब इसमें हमें प्रीमियम कौन सा चूज करना है? प्रीमियम जो हमें चूज करना है ना, वो करना है इन द मनी का, स्लाइटली इन द मनी का। सपोज अगर आप यहां से, अगर मार्केट यहां पे है, जैसे कि अभी मिड कैप है 12,228 चल रहा है, अगर आपको यहां से
जैसे कि अभी मार्केट यहाँ पे 12,226 या फिर 28 चल रहा है, अगर आपको यहाँ से कॉल प्लान करना है तो आपको इन द मनी का प्रीमियम चूज करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे, अगर आप ऑप्शन चेन अगर यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे हमें प्रीमियम जो नजर में रखना है स्लाइटली इन द मनी, ठीक है ना, स्लाइटली इन द मनी। जैसे कि अभी ये प्राइस कौन सा चल रहा है 12,227। अब यहाँ पे हमें कॉल देखना है तो हम स्लाइटली इन द मनी देखेंगे, तो यहाँ पे स्लाइटली इन द मनी का कॉल कौन सा हो जाएगा 12,200, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट प्राइस कौन सी है 12,000, जब यहाँ पे प्राइस चल रही थी यहाँ पे चल रहा था 12,225 की स्पॉट प्राइस चल रही थी, तो यहाँ की नजदीकी इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी 12,200। तो यहाँ पे मैंने 12,200 का यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ठीक है ना, प्रीमियम मैंने बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करना है। सिमिलरली आप अगर आप पुट प्लान करते हो, ठीक है ना, सपोज यहाँ पे आप पुट प्लान करना है, आपको 12,300 पे आपको पुट प्लान करना है, तो सिंपली ऑप्शन चेन ओपन करो और स्लाइटली इन द मनी, जैसे कि अभी 12,300 है, तो इससे एक स्ट्राइक प्राइस पीछे का इन द मनी का जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो से हमें नजर में रखना है। जैसे कि यहाँ पे 12,325 है, तो ये स्ट्राइक प्राइस जब हम पुट प्लान करेंगे तब ये नजर में आएगी, राइट। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया हमें किस तरीके से प्रीमियम चूज करना है, राइट। अब ऐसी सिचुएशन फाइंड करनी है जहाँ पे ऐसे कुछ तरह ऐसे इस तरीके का स्विंग बना हो, और वापिस जब मार्केट ऐसे स्विंग बना के नीचे की तरफ रिवर्स ले रहा है, तब तो वहाँ पे ये प्रीवियस लो नहीं ब्रेक हुआ हो लेकिन प्रीमियम में लो ब्रेक हो गया। यूजुअली ये सारी चीज़ें साइडवेज मार्केट में होती है या फिर साइडवेज टू ट्रेंडिंग मार्केट में होती है। एक्सट्रीम ट्रेंडिंग मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेंगी, लेकिन जब मार्केट स्लाइटली साइडवेज रह के ऊपर जाता है, जो कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, या फिर साइडवेज रह के धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसे इंटरेस्ट मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें प्रीमियम चूज करना है, प्रीमियम जब भी हम चूज करेंगे स्लाइटली इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। अब आते हैं हमें वेट करना है एसएल हंटिंग का। स्ट्राइक प्राइस हमने नजर में डाल दिया, ठीक है ना, प्राइस यहाँ पे हमने एक स्विंग आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि ये स्विंग आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें वेट करना है मार्केट जब इससे रिवर्स होगा तो यहाँ पे प्रीमियम में क्या वो स्विंग ब्रेक हो रहा है। इफ यस, तो यस हमें उसी का ही वेट करना है। जैसे ही एसएल हंट होगा वहाँ पे हमें एक प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज एंगल्फिंग प्राइस एक्शन फॉर कंफर्मेशन। अब ये एंगल्फिंग प्राइस एक्शन क्या है, एंगल्फिंग प्राइस एक्शन ध्यान देना, प्रीमियम के चार्ट में ऐसा प्राइस एक्शन होना चाहिए। अब ये प्राइस एक्शन इंडिकेट क्या करता है, जब भी ये प्राइस एक्शन बनता है ना, तो ये बताता है यहाँ पे जो सेलर्स है, ठीक है ना, जिन्होंने प्रीमियम को सेल किया है, उसको नेक्स्ट कैंडल में बायर्स का डोमिनेंस दिखना चाहिए। अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है आफ्टर टेकिंग द एसएल, ठीक है ना, जब ऐसा होने के बाद प्रीमियम लो ब्रेक करने के बाद कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का प्राइस बनता है कहां पे, प्रीमियम के चार्ट में, ठीक है, प्रीमियम के चार्ट में कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, तो वहां पे हमें एंट्री मिल सकती है उस प्रीमियम को बाय करने की एक स्कैल्प ट्रेड के लिए। अब ध्यान देना यहाँ पे टाइम फ्रेम जो रखना है 5 मिनट रखना है, आप 1 मिनट पे भी शिफ्ट हो सकते हैं आगे जाके जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, बट करंटली आपको 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम रखना है। अभी जो हम बैक टेस्ट कर रहे हैं मिड कैप का दिखाऊंगा मैं आपको, फिर आपको और निफ्टी का भी दिखाऊंगा और बैंक निफ्टी का भी दिखाऊंगा, ठीक है। सिमिलर प्राइस एक्शन, सिमिलर एसएल हंटिंग, और किस तरीके से वहाँ पे एंट्रीज मिल रही है और किस तरीके से हम वहाँ पे एक रिस्क प्लान करके रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ जो हमने कंडीशंस बताई वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पे हमें बस जो मैंने प्राइस एक्शन बताया, ठीक है ना, उसे आइडेंटिफाई करना है, क्या वो वहाँ पे प्राइस एक्शन बन रही है। लेट्स सी, बन रही है क्या? यस, प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बनी हुई है, राइट। यहाँ पे बेरिश कैंडल है एक, और फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही है, बट यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे क्या? नहीं। यहाँ पे भी एक कंडीशन, वो कंडीशन ये है कि जो प्रीवियस सपोर्ट है, जैसे कि लेट्स से इस प्रीमियम का जो प्रीवियस सपोर्ट है, स्पॉट का नहीं, प्रीमियम का जो प्रीवियस सपोर्ट है, लेट्स से ये प्रीमियम सपोर्ट है प्रीवियस, जिसको ब्रेक किया है प्रीमियम ने, ऐसा कुछ कैंडल बनने के बाद प्रीवियस जो लो है प्रीमियम का, ठीक है ना, उसके ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहिए। अब जैसे ही कैंडल क्लोज करता है वहां पे हमारी एंट्री प्लान हो जाती है उस प्रीमियम में बाइंग साइड के लिए, और जो स्टॉप लॉस बनता है उसी के ही प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस बनता है। एंड देन आप जैसे उसको पकड़ लेते हो, आप कुछ इस तरीके से एटलीस्ट 1:1.5, ठीक है ना, 1.5 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, तो 1.5 लेके चलो। देने के लिए आपको ये 1:3 भी दे देगा, 1:4 दे भी दे देगा, ठीक है ना, बट स्टार्टिंग में टू गेट अ कॉन्फिडेंस टू यूटिलाइज द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आप 1:1.5 ही प्लान करना, ठीक है। स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको रिवॉर्ड से ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे 1:1.5 यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा, ठीक है ना। यस, इसमें 1:3 भी मिलता है, 1:4 भी मिल रहा है, बट जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर नाउ आई एम सेइंग 1:1.5 वुड बी द बेस्ट। धीरे धीरे आप इसमें 1:2 भी कैच कर लेना, 1:3 भी कैच कर लेना, बट अभी के लिए आप 1:5 पे फोकस रखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1:1.5 का हमने ट्रेड प्लान कर लिया और यहाँ पे टारगेट्स मिल गए। क्या क्या यहाँ पे हमने देखा, हमने देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्विंग्स आइडेंटिफाई किया, प्रीमियम में लो ब्रेक होना चाहिए, प्रीमियम जो होना चाहिए स्लाइटली इन द मनी का होना चाहिए, ऐसे हंटिंग का वेट किया, एंगल्फिंग पैटर्न बना वहाँ पे, और जैसे एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद जो प्रीमियम में प्रीवियस सपोर्ट है उसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, वहाँ पे हमने एंट्री प्लान की,
एसएल जो रखा हमने प्रीवियस स्विंग के नीचे का एसएल रखा, बेसिक इतना तो समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी ये एक्चुअल में काम करता है या फिर ये बस एक ही बार मैंने आपको दिखा दिया। नाउ लेट्स सी इसी के चार्ट के हम थोड़ा सा पीछे पीछे जाते हैं, मिड कैप का ही चार्ट है, ठीक है ना। और ये तो हो गया कॉल का एंट्री, नाउ लेट्स सी अगर पुट में भी अगर मिलता तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। यस पुट का भी है, अब ये थोड़ा सा ही बैक जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पे जो मैंने दिखाया है यहाँ का दिखाया, राइट, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। एंड यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे स्पॉट पे कोई लो नहीं ब्रेक हुआ है, यहाँ पे स्पॉट पे देखोगे तो कोई लो ब्रेक नहीं हुआ है। बट प्रीमियम देखो, प्रीमियम देखो यहाँ पे ये सपोर्ट है, राइट, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। प्रीमियम देखोगे तो ये सपोर्ट है, स्पॉट का ये सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखोगे तो लो नहीं ब्रेक हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम लो ब्रेक कर चुका है, राइट। आप कह सकते हो एसएल हंटिंग हुआ है, यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं स्पॉट के चार्ट पे, लेकिन प्रीमियम में जिन्होंने एंट्री किया था बाइंग साइड यहाँ पे, राइट, उनका तो एसएल खा गया। अब जैसे ही एसएल खाया, मैंने आपको प्राइस एक्शन क्या बताई है, प्राइस एक्शन शुड बी दिस, ठीक है, ऐसा कुछ एंगल्फिंग पैटर्न बने, कुछ इस तरीके की रेड कैंडल और उसके ऊपर कुछ इस तरीके की ग्रीन कैंडल क्लोज करनी चाहिए। जो प्रीमियम का चार्ट है, प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है ना, उसका प्रीवियस जो सपोर्ट है उसके ऊपर कैंडल क्लोज करनी चाहिए। यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट क्या है, प्रीवियस सपोर्ट जो है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस सपोर्ट को ऐसे लाइन ड्रॉ करके मार्क करता हूँ तो क्या यहाँ पे एंगल्फिंग प्राइस एक्शन बना है? यस, यहाँ पे एक डोमिनेटिंग रेड कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे डोमिनेटिंग रेड कैंडल है। एंड देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो दो कैंडल्स, जैसे भी कैंडल हो, बस ये होना चाहिए कि प्रीवियस जो रेड कैंडल है, ठीक है ना, उसको कैंडल्स एंगल्फ कर रही है नेक्स्ट, ठीक है ना, और क्लोजिंग जो मिल रही है वो प्रीवियस जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है उसके ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, ठीक है ना। वहां पे जैसे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, क्लोजिंग मिलती है, आप वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हो प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर। जैसे ये प्रीमियम के प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, अब वहां पे एंट्री प्लान हो सकती है, लो जो बनेगा उसी के प्रीवियस लो का। एंड देन देखो यहाँ पे भी आपको 1:2 ऑलमोस्ट 5 मिला है, बट अगेन आई विल से 1:5 पे फोकस मत करो, आपको मिलेगा, बट अभी टू गेन इन कॉन्फिडेंस मैं आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कम कर रहा हूँ। मुझे पता है इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, मैंने बैकटेस्ट किया है, बट ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जब ट्रेड करोगे इसमें, आप उससे पहले बैकटेस्ट करो, समझो, आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, आपको खुद ऑब्जर्व करना है मार्केट में। 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी है, बैकटेस्ट करना है। अगर सच में आपको काम करती हुई लग रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तब आप इसको यूज करना, राइट। जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ या फिर कोई यूट्यूबर बोल रहा है, आप कोई स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं कर देनी चाहिए। ये मैंने चीजें जो ऑब्जर्व की है, मैंने चीजें जो समझी है, मैं जिस सेटअप को यूज करता हूँ, आप देखते होंगे लाइव सेशंस में भी मैं बोलता हूँ प्रीमियम में लो ब्रेक होने दो, प्रीमियम में लो ब्रेक होने दो। तो क्या होता है, मैं इसी चीज को देखकर वो आपको बोल रहा होता हूँ कि प्रीमियम में एसएल हंट हो जाने दो, फिर हम ट्रेड्स प्लान करते हैं। तो आपको भी ये चीजें ऑब्जर्व करनी है, मैं आपको ये सेटअप दे रहा हूँ। नाउ इट्स योर ड्यूटी, गो ऑब्जर्व, प्रैक्टिस, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल, यूज इट, ठीक है। एक्यूरेसी इसकी मैं बोल सकता हूँ मोर देन 70% है, बट अगेन मैं क्लेम नहीं करूंगा, इट्स योर ड्यूटी, गो बैक टेस्ट एंड यूज इट, ठीक है। मेरा काम है आपको सेटअप देना, मुझे पता है ये चीज़ें काम कर रही है, तो मैं ये सेटअप आपके लिए लेके आया हूँ, बट आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर कोई इन्फ्लुएंसर या फिर कोई यूट्यूबर आपको बता रहा है तो उसको कंफर्म करें, ठीक है। तो लेजी नहीं रहना, लेजी बिल्कुल नहीं रहना। यहाँ पे देखोगे तो ये सेटअप अगेन कॉल का प्रीमियम, यहाँ पे कोई लो ब्रेक नहीं हुआ, प्रीमियम में लो ब्रेक हुआ, एंगल्फिंग पैटर्न बना, राइट। यहाँ पे दो एंगल्फिंग पैटर्न इन द सेंस, ऐसे कोई सेलिंग कैंडल है, ठीक है ना, ऐसा कोई सेलिंग कैंडल्स दिख रही है, ऐसे कोई सेलिंग कैंडल्स दिख रही है, लेकिन बायर्स उसको डोमिनेट करके उसका हाई ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बने तो यहाँ पे आपको बुलिश प्राइस एक्शन पे यहाँ पे प्रीमियम में अगर दिखता है। और प्रीवियस सपोर्ट, जैसे कि आप प्रीमियम ने ऐसा कुछ लो ब्रेक किया है, तो जैसे ही क्लोजिंग प्रीवियस सपोर्ट पे के ऊपर मिलती है प्रीमियम में, वहाँ पे एंट्री प्लान होगी अपसाइड के लिए, रिवर्सल के लिए, राइट। तो ये एक सेटअप हो गया। नाउ लेट्स सी पुट में भी काम करता है क्या, चलो आ जाते हैं पुट के चार्ट पे। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कहाँ पे, ये रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अब देखो जब मार्केट यहाँ पे था, जब मार्केट यहाँ पे था तो प्रीमियम कहाँ पे था, लेट्स सी प्रीमियम देखोगे तो उस समय ये 12,325 का 92 पे ट्रेड कर रहा था। अब ये प्रीमियम कौन सा है, स्लाइटली इन द मनी का प्रीमियम है, ध्यान देना, ठीक है ना, ये वाला प्रीमियम इन द मनी का प्रीमियम स्लाइटली 93 पे ट्रेड कर रहा था। ये प्रीमियम जब यहाँ पे था तब ये प्रीमियम 94 पे ट्रेड कर रहा था, तो हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब प्रीमियम देखोगे तो इसका लो जब ब्रेक हो रहा था, इसका लो जब ब्रेक हो रहा था तो स्पॉट की प्राइस कहाँ पे थी, स्पॉट की प्राइस यहाँ पे थी, राइट, और इस प्रीमियम में लो ब्रेक हो रहा था। अब अगेन नाउ लेट सी, यहाँ पे देखोगे तो इस स्विंग का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन स्पॉट के चार्ट में एसएल हंट हो चुका है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जो मैंने कैंडल बताई आपको, वो कैंडल फाइंड करनी है, कौन सी, एंगल्फिंग कैंडल। अब यहाँ पे हो रही है कैसे एंगल्फिंग कैंडल, लेट सी, लेट्स कम ऑन चार्ट, यस यहाँ पे एंगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बना है, ये देखो यहाँ पे बेरिश कैंडल एंड देन एक कंप्लीट एक बुलिश कैंडल आके यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अब यहाँ पे एंट्री प्लान हो गई, क्या क्लोजिंग प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर मिला है, यस ऑलमोस्ट प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर मिला है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ,
यहाँ पे जैसे हमें क्लोजिंग मिला एंट्री प्लान राइट प्रीवियस लो पे SL एंड अगेन यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:3 मिला है, बट अगेन 1:1.5 एटलीस्ट आपको कैच करना ही करना है, ठीक है। एंड ये आपका एक और स्कैल्प ट्रेड हो गया। यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे ये प्रीवियस जो स्विंग है उसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम जिस समय यहाँ पे ट्रेड कर रहा था जिन्होंने यहाँ पे पुट बाय किया होगा उनका ऐसे यहाँ पे देखोगे तो प्रीमियम के चार्ट में खा चुका है मार्केट, जबकि स्पॉट के चार्ट पे वहां तक आया भी नहीं है। तो जैसे ऐसे लेंट हुआ अलर्ट हो जाना है, एंगल्फिंग पैटर्न मिलते ही प्रीवियस सपोर्ट प्रीमियम का जो भी प्रीवियस सपोर्ट है उसके ऊपर एंट्री प्लान एंड देन कुछ इस तरीके का ट्रेड हमें मिल सकता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं। अभी बैंक निफ्टी है, क्या बैंक निफ्टी में भी सेम चीजें फॉलो होती है? यस, बैंक निफ्टी में भी सेम चीजें फॉलो होती है। आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस या प्रीवियस सपोर्ट है, ये प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है। इस समय जब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था 52,410 पे, प्रीमियम अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 497 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट जब ये ऊपर जाके नीचे की तरफ आ रहा था ना तो अगर आप देखोगे तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन ये लो ब्रेक होने से पहले ही प्रीमियम यहाँ पे लो ब्रेक कर चुका है। अगर आप देखोगे उस स्विंग का, यहाँ पे प्रीमियम लो ब्रेक कर चुका है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जिन्होंने भी प्रीमियम में कॉल बाय किया होगा उनका SL hunt किया है। यस, मार्केट ने उनका SL hunt किया है एंड नाउ हमें वेट करना है उस एंगल्फिंग प्राइस एक्शन का जो हमें एंट्री देने वाली है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेरिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल राइट, एंगल्फिंग प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, एंट्री प्लान SL प्रीवियस स्विंग के नीचे और 1:1.5 एटलीस्ट हमें चाहिए, बट उससे ज्यादा दे गया है मार्केट राइट, उससे ज्यादा दे गए। नाउ विल सी किस तरीके से ये सेटअप काम कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर आप स्पॉट का चार्ट देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप प्रीमियम का चार्ट जैसे ही देखते हो आपकी आंखें खुल जाती है कि यस यहाँ पे SL hunt हुआ है। जिन्होंने अभी यहाँ पे बाय किया होगा यहाँ पे देखोगे प्रीमियम में उनका SL खा चुका है और मार्केट यहाँ से एक स्कैल्प देने के लिए ऊपर की तरफ रिकवरी देने चला जाता है, भले ही उसके पास नीचे आए बट हमारा टारगेट तो दे गया राइट। तो इस तरीके से SL hunting स्ट्रेटजी काम करती है। नाउ लेट्स कम ऑन नेक्स्ट चार्ट। सारे के सारे चार्ट मार्केट के हैं गाइस, ठीक है ना। तो खैर अब ये निफ्टी का चार्ट है, क्या निफ्टी में भी सेम होता है? लेट्स सी, ये निफ्टी का प्रीवियस स्विंग का सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे प्रीमियम में देखो SL hunt कर गया। जिन्होंने यहाँ पे कॉल बाय किया था यहाँ पे देखोगे तो उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, बट प्रीमियम देखो कैसे तरीके से तो लो तोड़ दिया है। जैसे ही ऐसे बुलिश प्राइस एक्शन बना एंगल्फिंग काइंड ऑफ क्लोजिंग प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर एंड दिस इज द ट्रेड, ये एक सेटअप। आई एम डैम श्योर आपको कोई नहीं बता रहा होगा, आपको ये कहीं पे नहीं मिलेगा, आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है जिसके बेसिस पे हम लाइव में ट्रेड प्लान करते हैं उसके बेसिस पे कहीं पे नहीं मिलने वाला है कंटेंट आपको, और कोई बताएगा भी नहीं। ऑब्जर्व करेंगे ट्रेड करेंगे इसके ऊपर तब ना वो बताएंगे, वो तो वही किसी पीटी वीडियोज आपको चिपका दे रहे हैं, इसका देखकर वो बना रहा है उसका देखकर वो बना रहा है, बट ये चीज़ें कंप्लीटली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है ना। ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ें फॉलो हुई है। यहाँ पे प्रीवियस देखोगे तो प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे ये रहा है राइट। मार्केट जब निफ्टी जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था ना तो पुट का प्रीमियम कितना कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, अगर आप देखोगे 144 पे ट्रेड कर रहा था जब प्राइस यहाँ पे थी, बट आप देखोगे इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, उससे पहले ही प्राइस घूमने लगी थी नीचे की तरफ। बट उससे पहले अगर आप देखोगे तो जो प्राइस यहाँ पे थी पुट की, जब प्राइस यहाँ पे थी जिन्होंने यहाँ पे पुट बाय किया होगा कहाँ पे बाय किया होगा, उन्होंने प्रीमियम में तो 144 पे बाय किया होगा राइट। और जैसे ही यहाँ से अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ प्राइस गई एंड देन अगेन जब रिटर्न आई, जैसे कि ये प्राइस यहाँ से पुल बैक लेने आया, यहाँ पे SL खा गया। किनका SL खा गया? जिन्होंने पुट बाय किया था, लेकिन प्राइस देखो अभी तक इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि यस SL hunting हो चुका है, वेट करना हमें एंगल्फिंग प्राइस एक्शन का। यस यहाँ पे दो कैंडल्स एंगल्फिंग की बनी, क्लोजिंग इसके ऊपर यस जो प्रीवियस सपोर्ट है प्रीमियम का उसके ऊपर क्लोजिंग एंड देन प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस, और ये कुछ इस तरीके का टारगेट हमें मिल गया। तो गाइस इस तरीके से आप SL hunting में ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाना। एंड यस अगर आपको चीजें समझ में नहीं आया आप इसको वापस रिपीट करके देखो एंड जाओ बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करने के बाद वापस आओ कमेंट सेक्शन में बताओ ये चीजें काम करती है कि नहीं करती है। मुझे पता है काम करती है इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, बट एज अ व्यूअर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करने से पहले आप खुद उससे बैक टेस्ट करो, सच में वो आपके लिए काम कर रही है तो आप उसे यूज कर सकते हो, बट ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। तो इट्स योर ड्यूटी, गो बैक टेस्ट एंड इफ यू फाइंड वर्दी यूज इट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।